दोस्तों मेरे पास एक कमेंट आया था कि कैसे फेसबुक अकाउंट को डिलीट किया जाए, और कमेंट भी आप लोग देख लो कि आशीष सिंह की तरफ से आया था कि फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट किया जाए और इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा दिया। और अगर आप नहीं जानते हैं तो अगर आप जानते भी हैं तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर इससे कोई मतलब नहीं है तो भी देख लीजिए क्या जाता है बाद में, क्या जाने कभी भी कामों में आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे आपको फेसबुक अकाउंट और यूजर आईडी और पासवर्ड देकर आपको लॉगिन करना है गूगल क्रोम पे। ओके, तो आपको गूगल क्रोम पे लॉगिन करना है। तो उसके बाद मान लो मैंने एक फेक अकाउंट बनाया है, क्योंकि मैं ओरिजिनल मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं, और मैं अगर मेरे ओरिजिनल अकाउंट पे करूंगा तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट डिलीट हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक अलग सा देवदुलाल दास नाम पे एक अलग सा यू ही एक अकाउंट बना लिया, जो आपको मैं अभी स्टेप बाय स्टेप डिलीट करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, लेकिन मेरा तो अभी कोई फ्रेंड फ्रेंड नहीं है इसलिए कोई भी फोटो नहीं है, लेकिन आपके सामने कुछ इसके बाद यहाँ पे कुछ फोटो आएगा या फिर बहुत सारा कुछ आएगा जो आप लॉगिन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक थ्री डॉट है, सॉरी थ्री लाइन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको सामने बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, नीचे सिंपल से आना है। नीचे सिंपल से आने के बाद आपको यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा, पासवर्ड इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज, पेमेंट्स, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, एप्स एंड वेबसाइट्स, इस तरह का बहुत सारा तरह तरह के ऑप्शन आएगा, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आएगा। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन डीएक्टिवेट कैसे किया जाए वो सिखाऊंगा। और इसका फ़ायदा कुछ है, डिलीट कर दोगे तो आपको क्या होगा, फेसबुक अकाउंट टोटली डिलीट हो जाएगा, बाद में इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन डीएक्टिवेट भी सेम चीज़ है, लेकिन इसमें कुछ फ़ायदा है, ये भी डिलीट की तरह ही है, सेम टू सेम, बस इसमें कुछ फ़ायदा है जो जिसलिए मैंने ये वीडियो डीएक्टिवेट के ऊपर ही बनाया, कि अगर आप इस यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देते हो तो डिलीट का मतलब, डिलीट का मतलब भी तो डिलीट हो जाता है, लेकिन डीएक्टिवेट का मतलब भी डिलीट की तरह ही है। ये किसी के पास शो नहीं करेगा, आपका फोटो भी किसी के पास नहीं जाएगा, या फिर कोई भी अगर फेसबुक पे आकर सर्च करेगा आपका नाम तो उसको आपका अकाउंट नहीं दिखेगा। लेकिन डीएक्टिवेट करने में जो फ़ायदा ये है कि आप अगर मान लो आपने अभी डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन एक दो महीने के बाद आपका फिर से मन हुआ कि क्यों ना उस अकाउंट को रीएक्टिवेट किया जाए, और अगर आप डीएक्टिवेट कर दोगे तो बाद में आप क्या कर सकते हो कि आपका जब भी मन जाए तब भी आप आके उस अकाउंट को आप रीएक्टिवेट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं डीएक्टिवेट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप डिलीट के बजाय डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बाद में आप इसे रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये भी सेम टू सेम डिलीट की तरह ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्लिक करने के बाद ठीक है, देखिए मेरा जैसे कि है कि नेम देवदुलाल दास, ईमेल आईडी देखिए यहाँ पे है कुछ इस तरह है। तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए एक सबसे नीचे आएगा मैनेज अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह कुछ ऑप्शन आएगा कि लीगेसी कॉन्टैक्ट, तो आपको क्या करना है, नीचे देखिए राइट साइड पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल गया है हमें, तो आपको यहाँ पे सिंपल से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आपके फ़ोन में है, तो मैं पासवर्ड अभी पुट करने वाला हूँ। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपके कुछ सवाल पूछा जाएगा कि आर यू श्योर टू वन डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि और यहाँ पे कुछ लिखा है तो आप इसे पढ़ सकते हो या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पे और कुछ है, प्लीज लेट अस नो व्हाई यू आर डीएक्टिवेटिंग, तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्यों आप इसे डीएक्टिवेट कर रहे हो। उसके बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि आई हैव अनदर फेसबुक अकाउंट, यानी कि आप फेसबुक डेवलपर टीम को बता रहे हो कि मेरा एक अलग सा अकाउंट है तो इसलिए मैं इसे डीएक्टिवेट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके, तो कुछ देखिए इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आपको इन दोनों में से किसी भी चीज़ पर टिक नहीं करना है। ओके, तो इसके बाद नीचे आना है, देखिए डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिल गया है, और यहाँ पे नीचे है कि यू कैन रीएक्टिवेट योर अकाउंट एट एनी टाइम बाय लॉगिंग विथ योर ईमेल आईडी एंड एड्रेस एंड पासवर्ड, तो आपको नीचे डीएक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, और आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, और अगर आप बाद में चाहो तो आप इसे रीएक्टिवेट कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो मुझे बाद में कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इसे रीएक्टिवेट किया जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, जितने दोस्तों सबको शेयर करो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पर इस तरह के टेक वीडियोज आपके डिमांड पर बनाता रहता है।